हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम्। तस्य पदे नमाम्यहम्। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे। महापुरुष अच्युतानंद मालिकार लिखिंट महाप्रभु जगन्नाथ कलिकी अवतार ये ओडिशा भितर गोटे पंचकोश जगार हे पंचकोश मध्य ओडिशा भितर पंचकोश कि जो पंचकोशे प्रभु जगन्नाथ कलिकी अवतार हो जाकु महापुरुष अच्युतानंद शिव कल्प रखिले गुपत भोईर खेला खेलो थीबे मदन गोपाल रही पंच कोशी मधे नाभि गया क्षेत्र अच्युत कहे निठाई अच्युत कहे निठाई हे सुजने अच्युत कहे निठाई अच्युत कहनी थे सुजने अच्युत कहनी थी। मालिकार नाम शिवकल्प नवखंड निर्घंड अच्युतानंद कहिले गुपत भूईरे खेल खेलु मदन गोपाल रही पंचकोशी मध्य नाभिगया क्षेत्र अच्युत कहनी थी कहे पंचकोशी भितर नाभिगया क्षेत्र में जगन्नाथ एक अवतार कलिकी अवतार हो कलिकी अवतार गोटे नुह बुझल त्रेता युगर आम बारंबार एक कथा को सूचना दौ एक राम जिते जन्म होते त्रेता युगर से ही समय परशुराम जन्म होते विष्णु कला दीटा शरीर एका सांगे लीला करुले नी परशुराम शरीर में राम शरीर में त्रेता युग तेणु से ही सत्य युगर गोटे अवतार भगवान विष्णु ही ना अनेक अवतार होती त्रेता युगर भगवान गोटे अवतार ही अनेक अवतार हो द्वापर युगर भगवान गोटे अवतार विष्णु नहीं ना अनेक बार अवतार होती भागवत भगवान चबीश अवतार वर्णन रही तेणु से ही कली युगरे प्रभु थरुटी अवतार ने जगन्नाथ महाप्रभु कलिकी रूप से गोटे शरीर में केवल अवतार ने अंग पलटे कि पुणी आउरी गोटे शरीर आसवे पुणी आउ गोटे शरीर आसवे ये भाई आसवे तेणु जगन्नाथ महाप्रभु कलिकी अवतार कली युगरे से पंचकोशी भितर हो एक अवतार। मालिकार नाम हो महागुप्त पद्मकल्पर प्रथम अध्यायर नवम पृष्ठार लिखिले कौन कले यह शुणी अरक्षित राम को कहती यह शुणी अरक्षित राम को कहती ओड़ा शुणी ठारू पंच कोशी जे कहती ओड़ा शुणी ठारू पंच कोशी जे कहती ओड़ा शुणी ठारू पंच कोशी जे कहती यह शुणी अरक्षित राम को कहती ओड़ा शुणी ठारू पंच कोशी जे कहती बोले पंचकोश कोश पंचकोश ये पंचकोश भितर प्रभु जन्म होते ध्यान देवी पांचकोश भितर भगवान जन्म होते से पांचकोशा कौटू आरंभ महापुरुष कहले
ओलाशुणी ठार पंचकोशी जे कहते ओलाशुणी ठार आउ को कौ जगह सब पंचकोशी भितर जाने माड़ ग्राम पंचकोश अटे छतिया बोलीण ग्राम ओलाशुणी तटे ओलाशुणी तटे बाबो ओलाशुणी तटे ज्ञानी गुणी मंडली सुधी ज्ञानी भगवान कृष्ण जितेबले द्वापर युगर जन्म हेले देवता माने गोपी गोपाणी भाव आसिक जन्म हो जाइले नी मर्त्य मंडल देवता माने आसिक जन्म हो जाइले तो से भली भगवान कली युगर जन्म हे तो लीला सहचर भाव जी मैंने अंग संगी भक्त मानी कली युगर जन्म हो सारी अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम चकड़ा मडान कहले कौटू कौ जाए सब अनेक भक्त पूरी रही थे कहले बाबू रे नीलाद्रीर ठारो जाजपुर जाए अनंत शयन स्थान अनंत शयन स्थान हे सुजने अनंत शयन स्थान छतिया ठावरु पारादीप जाए भुज बोली हजान सोना सुजने गुणी बेला काल आसी जानी रे सुण सुजने गुणी देखु मालिकार नाम है चकड़ा मड़ान अच्युतानंद कहले कले नीलाद्रीर ठार जाजपुर जाए अनंत शयन स्थान कौटू नीलाद्री कहले श्रीक्षेत्र पुरी रु जाजपुर पर्यंत ये अनंत शयन स्थान बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सुधीयानी ज्ञानी गुणी मंडली जहा प्रभु लीलाभूमि हे कली युग कहले नीलाद्रीर ठार जाजपुर जाए अनंत शयन स्थान अनंत जो शयन करती नीलाद्री ठार पुरी ठार जाजपुर पर्यंत पाद जाजपुर कटित तो कटक पाज पाद हूँ जाजपुर अनंत शयन जो शोले प्रभु अनंत शयन ताले पादटा कि ना पादटा हूँ जाजपुर अनंत पाद हूँ जाजपुर कटित तो कटक शिरत श्रीक्षेत्र बुझे प्रभुंर कटिटा कौटा है ना कटक हूँ कटी क्षीर है कौटा ने श्रीक्षेत्र मन देखी शुणु मन ये कथा आ गीता भागवत रामायण ना अच्छी मालिकार आप जानतु पाद जाजपुर कटित कटक शिरत श्रीक्षेत्र तेणु नीलाद्री ठार जाजपुर जाए अनंत शयन स्थान जो अनंत शयन करदटा हूँ जाजपुर कटिता हूँ कटक क्षीरटा हूँ पुरी बुझे आउ छतिया ठावर पारादीप जाए भुज बोली जान छतिया चंडीगढ़ छतिया छतिया ठारू पारादीप पर्यंत ये हूँ अनंत शयन भुज कले हाथ बुझे आधे अनेक भकत पूरी रही सब पूरी रही सब हे सुजने पूरी रही सब मऊदा ठावर कुंडी नगर जाए पूरी रही चंदी सब सोना सुजने गुणी बेड़ काल आसी गाड़ी हे सुण सुजने एथिमध्यरे जे अनेक भकत पुरी रही सब ये भीतर सब पुरी की रही नीलाद्री ठार जाजपुर छतिया ठार चंडीखोल ए छतिया ठार पारादीप ये भीतर अनेक भक्त रही आउ एड़े जिते भक्त नहांती ये जगार बहुत भक्त अच्छा बोली अच्युतानंद महापुरुष लिखिले एक मालिकार नाम चकड़ा मड़ाण से मऊदा ठावर कुंडी नगर जाए पुरी रही सब मऊदा ग्राम थर कुंडी नगर सालपुटा कुंडी नगर ईर जा बुझे ये अनेक भक्त सब पूरी रही अच्युतानंद सीत भी कहले
नेमाळ सुनील ग्राम पंचकोश अटे छतिया बोलीण ग्राम ओला सुणी तटे ओला सुणी तटे बाबू ओला सुणी तटे ओला सुणी तटे बाबू ओला सुणी तटे बोले नेमाळ सुनील ग्राम पंचकोश अटे नेमाळ सुनील ग्राम ये पंचकोशी भितर जाउछि आउ के जाउछि ना छतिया बलीण ग्राम ओळा सुणी तटे छतियाटा मध्य पंचकोश भितर जाउछि आउ मछि जागा अटे बाबू पंचकोशी जाण सेही थारे भगत माने होइबे मीळन होइबे मीळन बाबो होइबे मीळन होइबे मीळन बाबो होइबे मीळन बोले ए सबुर मझि जागा जोउटा हबो मन देखि शुणु ये सब स्थान जो जो गुड़िक आम ना कहलु न हे ज्ञानी गुणी मंडली आर मझी जगह जोटा हम सीटा हूँ पंचकोशी जान से हीटारे भक्त मान होइबे मिलन सीटे भक्त मान सब मिलन जिते जिते भक्त ना आम सब कौ सब मिलन सीटे आउ सबु तीर्थ पंचकोशी हितरे दे अच्छी मन दे राम सुण मुहि कहू अच्छी मुहि कहू अच्छी राम मुहि कहू अच्छी कहू अच्छी राम मुहि कहू बोले सबु तीर्थ पंचकोशी भितरे जे अच्छी समस्त तीर्थ स्थान गुड़िक पंचकोशी भितरे अच्छा मन दे राम सुण मुहि कहू अच्छी अर्खी दास मालिकार नाम महागुप्त पद्मकल्पे कहले राम कहूँ जे मन दे तो शुणु मन रख एक कथा कहले महुरा रे जन्म हेबे प्रभु जगन्नाथ सिंधुपुर नाम थीब सुण राम सुत सुण राम सुत बाबू सुण राम सुत सुण राम सुत बाबू सुण राम सुत महुरारे जन्म हेबे प्रभु जगन्नाथ सिंधुपुर नाम थी सुण राम तुत बासुत महुरारे जन्म हित ई कथा को मत अच्युतानंद महापुरुष महाविवेक ग्रंथ मालिकारे लिखिले महुरारे जन्म हेबे हाँ कौन जन्म हेबे लिखिले मालिकारे महाविवेक ग्रंथ रे बोले मुहूर्त महुरा ग्राम रे आम्हे जन्म हेबो अच्छा खोड़े पढ़ीण कड़ी खेल खेलो अच्छा खोड़े पढ़ीण कड़ी खेल खेलो अच्छा खोड़े पढ़ीण कड़ी खेल खेलो बोले मुहूर्त महुरा ग्राम रे आम्भे जन्म हेबो आउ अच्छा कूल रे बढ़ीण कड़ी खेल खेलिबु बोले मुहूर्त महुरा ग्राम रे आम जन्म होकि अच्छा कूल रे कड़ी खेल खेलु भगवान जगन्नाथंकर गोटी अवतार कलिकी अवतार ये कली युगरे हेबो तेणु महापुरुष कहते गोटी अवतार नुह पुणी अंग पलटिकी आउ गोटे शरीर को आसवे प्रभु ये अंग पलट आसुवे जेपर्यन कड़की लीला सरीना कड़की लीला गोटे शरीर में हेबना बुझे बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली जो जगन्नाथ महाप्रभु जन्म हो महापुरुष कहले मुहूर्त महुरा ग्राम से आम जन्म हेबू अच्छव कूल रे बढ़ीण कली खेल करू आम ना कौन हो आंभ नाम हेबो
केशव नेत्रे देखिबो तोही उत्तरी गंगा ज मुनास रस्वती थिबो बही उत्तरे गंगा ज मुनास रस्वती थिबो बही उत्तरे गंगा ज मुनास रस्वती थिबो बही आम्भो नाम हेब केशव नेत्रे देखिबो तोही उत्तरे गंगा जमुनास रस्वती थिबो बही उत्तर रे गंगा जमुना सरस्वती बही जाउथिबो त्रिवेणी संगम हेइथिबो कौन ता ना जोरिया बोरीण ता नाम मन मध्य रे रख पूर्वरे महात्मा विदुर गादी थिब प्रत्यक्ष पूर्वरे महात्मा विदुर गादी थिब प्रत्यक्ष पूर्वरे महात्मा विदुर गादी थिब प्रत्यक्ष जरिया बोलीण ता नाम मन मध्य रे रख पूर्वरे विदुर महात्मा विदुर गादी थिब प्रत्यक्ष ए ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी द्वापर युगरे भगवान कृष्ण दुर्योधनर समस्त राजसिक व्यवस्था को त्याग करी विदुर घरे शाग भजा खाइले बास पूर्व रातिर कलम शाग खाइले ଏବଂ ବିଦୁରକୁ କହିଥିଲେ ହେ ବିଦୁର କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ ବିଦୁର କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ହରି ଆସିଲେ ହର ଆସିନାହାନ୍ତି ଏକୁଟି ଆସିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୋତେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହରିହର ରୂପରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବି ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ କହିଲେ ତା ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନ କଳି ଯୁଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କଳି ଯୁଗରେ ହରିହର ରୂପରେ ତୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ହେ ବିଦୁର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜି ଓଳକଣା ମେଲଣ ଓଳକଣା ମେଲଣ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଛକରୁ ଡାହାଣାତି ଭିତରକୁ ପଳିଯିବେ ଓଳକଣା ମେଲଣ ଆଳି ଝୁଲଣ ଯିବ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇ ଓଳକଣା ମେଲଣ ସମୟରେ ହରିହର ହରିହର ରୂପକୁ ବିଦୁର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝିଲି ବିଦୁର ଗାଦି ରହିଛି ବର ମାଗିଥିଲେ ବିଦୁର ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ଶୁକଳେ ସ୍ୱର ହୋ ଲିଙ୍ଗ ଅଛଇ ରାମ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭଦ୍ରେ ସ୍ୱର ଯେ ଅତି ପବିତ୍ର ଧାମ ଅତି ପବିତ୍ର ଧାମ ଗାବୋ ଅତି ପବିତ୍ର ଧାମ ଅତି ପବିତ୍ର ଧାମ ବାବୁ ଅତି ପବିତ୍ର ଧାମ ବୋଲେ ପଶ୍ଚିମରେ ଶୁକ୍ଳେଶ୍ୱର ହୋ ଲିଙ୍ଗ ଅଛଇ ରାମ ପଶ୍ଚିମରେ ଶୁକ୍ଳେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ରହିଥିବ ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁକ୍ଳେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ହୋ ତହିଁ ଥିବ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଥିବେ ଏ ସବୁ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ସେଠି ହେଇଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁନଃ କହିଲେ ନେମାଳ ରୋ ଛତିଆ ପାଞ୍ଚକୋଶ ଛତିଆ ଓଳା ଶୁଣି ପାଞ୍ଚକୋଶ ଛତିଆ ଓଳା ଶୁଣି ପାଞ୍ଚକୋଶ ନେମାଳରୁ ଛତିଆ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚକୋଶ ପାଞ୍ଚକୋଶ ଭିତରେ ବା ନେମାଳ ଠାରୁ ଛତିଆ ଇଏ ପାଞ୍ଚକୋଶ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଛତିଆରୁ ଓଳା ଶୁଣି ଛତିଆ ପଟରୁ ଓଳା ଶୁଣି ଇଏ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚକୋଶ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିସାବ କରି ଆଉ ଓଳା ଶୁଣି ନେମାଳ ପାଞ୍ଚକୋଶ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମହୁରା ପ୍ରକାଶ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମହୁରା ପ୍ରକାଶ
ओलाशुणी ठार पुणी ने माला मध्य पांच कोश एति मध्यरे महुरा प्रकाश ये भितर महुरा ग्राम टी प्रकाश जो गोटे मुहूर्त महुरा ग्राम रे आंभे जन्म हे प्रभुंकर एक अवतार हेतु ज्ञानी गुणी मंडली अच्युतानंद महापुरुष शिवकल्प नवखंड निर्घंड लिखिंट गुपत भूं खेल खेलु मदन कपाल रही पंचकोशी मध्य नाभि गया अच्युत कहीन भाई पंचकोशी भितर प्रभु जन्म से पंचकोशा कौटु कौ जगे आपण को आम हिसाब दिलु मालिका प्रमाण सहित मालिका प्रमाण सहित सुधी जन या तो समय हो तो आसतु वाणी की विराम देवा प्रभुंर नाम नहीं तापुर जन भक्तर ना कह किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो ईश्वर पूरा रोगोला समासुर मठ बाबू सोमासुरा मठ मिरी हाटरे धड़ी नाम अच्छी श्रेष्ठ धड़ी नाम अच्छी श्रेष्ठ ईश्वर पूरा रोगोला समासुर मठ समासुर मठ अच्छी आउ सेईटी बिरिडी हाटरे धड़ी नाम अच्छी श्रेष्ठ बिरिडी हाटरे धड़ी नाम जड़े भक्त जन्म होते बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिदेले ज्ञानी गुणी मंडली आ तो समय आसन्द वाणी की विराम देवा प्रभुंकर नाम ने बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कन्दा मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कन्दा मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि सुधीजनि आजपाई आसतु वाणी के ठार विराम देवा पुणी आसंदा अध्याय भेट होगा रहुचु हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।